सो भाई जे कुछ इस तरह का ये टेंपल है सामने 900 साल पुराना प्राचीन वैष्णो देवी भूमि का मंदिर। सो भाई ये रास्ता जाता है मंदिर की ओर। अगर ये टेंपल बन जाता भाई आज यहाँ का नज़ारा को देखो भाई, यहाँ से कटरा सिटी का व्यू। ये सामने आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन, अगर सामने हेलीपैड, वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये सामने हेलीपैड। ये कुछ इस तरह का ये मंदिर है भाई, और सामने जो दिख रहा है भाई ये है ताराकोट मार्ग, और ये सामने आ गया भाई बाणगंगा, और ये सामने आ गया ऊपर अतकुवारी। इस टेम्पल की जो भी हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे। पानी भी जरूर कैरी कर लेना, हालत खराब हुई थी प्रभा मंदिर बड़ा कोल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुबिन डोगरा। सो कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो फिर आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी हूँ मैं कटरा में, सबको जय माता दी। तो आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं शंकराचार्य टेंपल है, वो कटरा में है। तो चलो फिर चलते हैं, वहाँ से कैसा व्यू दिखता है वो भी आपको दिखाएंगे कटरा का, और कुछ यहाँ की हिस्ट्री भी है उस टेम्पल की। वो अनकम्प्लीट टेम्पल है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से दिखता है। तो चलो फिर चलते हैं भाई। सो भाई ये कुछ इस तरह का ये टेंपल है, सामने आपको दिख रहा होगा। ये रहा सर माता वैष्णो देवी की जो पर्वत है, और इसके साइड में बगल में ये मंदिर जो है। तो इस टेंपल का नाम है शंकराचार्य टेंपल। तो चलो चलते हैं। A few moments later. सो भाई जो ये वो रास्ता है जिससे हम अभी ऊपर चढ़ाई करेंगे। सो बीच में एक मंदिर आता है भाई, और ये वो मंदिर है, यह भूमिका मंदिर है ये। सो कहा जाता है कि जो माता रानी है पहले यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद ऊपर गए थे। तो 900 साल पुराना मंदिर जे जहाँ तक हमने सुना है कि वो है ये। तो चलो वहाँ पे जाके आपको मैं मंदिर भी दिखाता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं भाई। सो भाई आज के जो मेरे पार्टनर हैं इनको तो आप जानते ही हैं, ये मेरे साथ काफ़ी बार गए हैं। तो ये पीछे हैं विशाल जी, विशाल। A few moments later. सो भाई ये कुछ इस तरह का ये मंदिर है, आप देख सकते हो 900 साल पुराना प्राचीन वैष्णो देवी भूमि का मंदिर। सो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे दिखता है भाई। तो यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, यहाँ पे भी ज़रूर आते हैं। तो ये देख सकते हो, और यहाँ पे ये पानी पीने का पानी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी है नहाने का भी, देख सकते हो अभी यहाँ पे आप नहा सकते हो। तो ये जहाँ तक मैंने सुना है भाई, और 900 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है कि माता रानी यहाँ पे थे, उसके बाद ऊपर भवन में गए थे। तो अभी जो रास्ता है इस रास्ते से हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो चलो भाई अभी चलते हैं। सो भाई ये रास्ता जाता है मंदिर की ओर। अभी पीछे हमने पूछा कि कौन सा रास्ता है, उन्होंने बताया इसी रास्ते से जाओ। तो कुछ ये देखो भाई, ये है हमारी डोगरी भाई, इसी आते बोड़ी का पेड़। पेड़ नहीं, अगर डोगरी में बोलते हैं बोड़ी का बूटा। बोड़ी का बूटा डोगरी आती है नहीं भाई को, गजब बेइज्जती है। हेलो। तो चलो भाई, डोगरी आती है, हमें ऐसा नहीं है कि डोगरी नहीं होती है। बिच कुदै वेला कंफ्यूज हो जन्ने ना, ओदी वजह कन्ने। अरे कहना क्या चाहते हो? कंफ्यूज हो जन्ने ना, ओदी वजह कन्ने। ये डोगरी ते हिंदी मिक्स हो जांदी ना, पता नहीं लगना कि पी पता ही नहीं लगता कि बोलना के है। A few moments later. भाई हालत बड़ी खराब हो रही है यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। मेरी नहीं हो रही। तेरी नहीं हो रही? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। कोई नहीं रही। मेरी हालत बड़ी खराब हो रही है। तो ऐसे बोलो कि मेरी हो रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तेरी हो ना कर रहा हूँ ना, मेरे मेरे कंधे पे। अरे कहना क्या चाहते हो? हाथ रख के बोला, हमारी हालत खराब हो रही है। मेरी नहीं हो रही। साथ चढ़ी गए थे तुम्हें भराई, पता नहीं बड़ी हालत खराब हो गई, पौड़ियाँ बनी कि नहीं, और ना कोई पता नहीं। बस वो थे हाय जी। देखो गाइस क्या हाल हो चुका है इसका, मतलब ऐसा बंदा है, इतना सॉफ्ट बंदा होना चाहिए। देखो क्या है, हालत खराब हुई थी प्रभा। क्या हुआ, क्या खराब हुई बताना? हालत खराब हुई थी। हालत खराब हुई थले आई लबा मंदिर बड़ा कोल है, बड़े इतने ऊपर थोड़ी पुज धड़ी ना, हवा निकली भरा। अच्छा हूं नहीं चल। देखो मतलब मैं क्या बोल रहा था आपको, साथ कहां से आते हैं जी लोग, कौन लाता है इनको। सब भाई कुछ इस तरह का जी कच्चा रास्ता है। अगर ये टेंपल कंप्लीट हो जाता भाई, और आज यहां का नज़ारा कुछ और होता।
पर अनफॉर्चुनेट ये नहीं बन पाया। तो चलो भाई अब ऊपर चलते हैं, यहाँ की आपको थोड़ी बहुत जो भी हिस्ट्री है वो बताएंगे जितनी मेरे को पता है भाई। हैं सो भाई सामने वो रहा मंदिर, तो आई थिंक ये रास्ता यहाँ से जाता है, तो कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। जी सामने बाणगंगा नीचे पड़ता है, ऊपर जो सामने आप देख रहे हो वो है अतकुआरी, तो ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ऊपर से जाके आपको पूरा कटरा भी दिखाते हैं और यहाँ का भी व्यू पूरा दिखाते हैं। चलो फिर भाई इस रास्ते से अभी चलते हैं। A few moments later. So भाई फाइनली अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये कुछ इस तरह का ये मंदिर है भाई, और इसके नीचे बेसमेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ से आप देखिए भाई व्यू, ये सामने जो दिख रहा है भाई ये है ताराकोट मार्ग, और ये सामने आ गया भाई बाणगंगा, और ये सामने आ गया ऊपर अतकुआरी भाई। तो ये एक तरफ से आपको दिखा रहा हूँ मैं, और दूसरी साइड से देखते हैं कटरा सिटी, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद डिस्कस करेंगे इस टेम्पल की जो भी हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे, जितना मेरे को नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कुछ सही भी हो सकती हैं, तो जितना मैंने सुना है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। और यहाँ से भाई व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पीछे भी भाई कोई गाँव है, इस गाँव का मेरे को नाम तो नहीं पता भाई, बट काफ़ी अच्छा भाई ये जगह है, व्यू बहुत ही प्यारा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो भाई कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए कैरी जरूर कर लेना, हमने नहीं किया है, अभी हमको भूख लग गई है, तो पानी भी जरूर कैरी कर लेना क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता है भाई। बहुत जगह बहुत अच्छी है भाई, और यहाँ पे आप रील्स वगैरह बना सकते हो। और ये सो भाई ये कुछ इस तरह का ये टेम्पल है भाई, अगर ये टेम्पल बन जाता भाई आज यहाँ का नज़ारा कुछ अलग रहता भाई। और जितनी यहाँ पे मैं मेरे को पता है हिस्ट्री वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये डिस्प्यूट चल रहा था श्राइन बोर्ड और यहाँ के स्थानीय लोगों पे, इसलिए ये टेंपल कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसके नीचे बेसमेंट भी है एक, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप यहाँ लीजिए कटरा सिटी का नज़ारा, यहाँ पर मंदिरों का शहर हमारा कटरा। ये व्यू तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, जे अधिकारी आ गई। सो जो सामने वो देख रहा है अब ये है ताराकोट जो न्यू मार्ग बना है, तो ये सामने आ गया नीचे बाणगंगा, ये आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कटरा सिटी, और यहाँ का कटरा सिटी का यहाँ से व्यू आता है भाई, बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ से कटरा सिटी का व्यू, ये रहा भाई कटरा सिटी का व्यू। और थोड़ी मौसम ख़राब चल रहा है, तो ये सामने भाई वो दिख रहा है नीचे आपको, ये देखिए भाई ये सामने आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन। अगर आपको कटरा रेलवे स्टेशन की वीडियो चाहिए, ब्लॉग चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो उसमें हम वीडियो बनाएंगे। तो सामने आपको ये जहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं हेलीपैड भाई, ये है सामने हेलीपैड, वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये सामने हेलीपैड दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर जाता है वो ऊपर, यहाँ पर ऊपर आपको टावर दिख रहे होंगे, तो कुछ इस तरह का ये नज़ारा आप देख सकते हो भाई। सो भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा है भाई। एक ये फ़ोन बहुत चलाते हैं, जो पास साथ आते हैं ना, उनका फ़ोन बहुत चलता है भाई। तो अभी हम नीचे बेसमेंट में भी जाएंगे, वो भी आपको यहाँ का दिखाएंगे। और भाई अगर ये मंदिर बन जाता ना भाई, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर भी पहाड़ है, इस साइड भी ये सीढ़ी आ गई, और इस साइड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अलग ही नज़ारा होता, अद्भुत। तो चलो अभी नीचे बेसमेंट में चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं भाई। सो भाई अभी हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट की, और बेसमेंट की यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ हालत कुछ इस तरह की भाई, ये देख सकते हो आप, ये नीचे बेसमेंट है, तो यहाँ पे भाई पूजा की जाती है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। जय माता दी, जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। सो अभी यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं भाई, नीचे से भी आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे। हाँ भाई नीचे आऊं मैं बेसमेंट में, जे भाई यहाँ का देख सकते हो काफी गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप जिस तरह का ये भाई व्यू है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर जी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो ऐसे कटरा के आपको ब्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाले जो भी अपडेट्स होगी सबसे आपको सबसे पहले आपको मिली। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को फिर आप सब सब्सक्राइब कर ही देना।
तो मिलते हैं कोई अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय माता दी।